मानव संसाधन विकास मंत्री ने कल 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की डेट्स का ऐलान कर दिया। 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 के बीच में परीक्षाएं निश्चित की गई हैं। अब बात ये उठती है कि एग्जाम इतना लेट हो रहा है तो कंपार्टमेंट 2 और 3 के बच्चों का क्या होगा, इनकी परीक्षा कब होगी, इनका रिजल्ट कब आएगा, फिर अगले सत्र में एडमिशन कब होगा, तो सभी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, आपके 1 लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है तो लाइक जरूर करिएगा और इस तरीके की वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बच्चों, मैं हूं मैनाथ पांडे और हर बार की तरह इस बार भी आपको मिलेगी सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। जो बच्चे कंपार्टमेंट 2 की परीक्षा देने वाले थे, कुछ का एग्जाम हो गया था और कुछ का एग्जाम बाकी रह गया था, उन सभी की परीक्षाएं जिनकी परीक्षा नहीं हो पाई थी इसी तिथियों में कंप्लीट करवाई जाएंगी, यानी 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगी। अब अगर 15 जुलाई तक परीक्षा होगी तो रिजल्ट कहीं ना कहीं 15 अगस्त के आसपास ही घोषित होगा। बच्चों, आपको पता है कि अगर इसमें से कुछ बच्चे किसी वजह से फेल हो गए कंपार्टमेंट 2 में तो वो फिर से फॉर्म भरेंगे कंपार्टमेंट 3 का। जैसा कि आपको पता है कि कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए बच्चों को 3 चांस मिलते हैं। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब अगस्त में रिजल्ट आएगा उसके बाद में कंपार्टमेंट का फॉर्म आएगा कंपार्टमेंट 3 का, फिर परीक्षा कब होगी, फिर उसका रिजल्ट कब आएगा और एडमिशन की प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं टेंशन दे रही हैं उन बच्चों को जिन्होंने कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है या जो कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों, जिसका एग्जाम हो गया है उनका तो अब कुछ नहीं हो सकता, जैसा एग्जाम हुआ वैसा हुआ, लेकिन जिनका एग्जाम अभी बाकी है वो तैयारी कर लें, क्योंकि जुलाई में आपका एग्जाम शुरू होगा तो अभी आपके पास में टाइम है। कंपार्टमेंट 3 का फॉर्म भरने की नौबत ना आए तो ज्यादा अच्छा है। जिनके एग्जाम्स हो गए हैं उनके साथ भी हमारी शुभकामनाएं हैं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से किसी को भी कंपार्टमेंट 3 का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस साल फ्रेश एग्जाम दिया है रेगुलर कैंडिडेट के रूप में, और उनमें से जो बच्चे किसी भी वजह से कम नंबर पाएंगे और फेल हो जाएंगे उनके लिए जो फ्रेश कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा वो भी भरा जाएगा आपके एग्जाम के रिजल्ट के बाद में। मान लेते हैं किसी ने इस साल क्लास 10th या क्लास 12th का एग्जाम दिया और वो फेल हो गए, तो उनके लिए अब की बार जो एग्जाम होगा वो कंपार्टमेंट का पहला एग्जाम होगा, दूसरा एग्जाम और तीसरा एग्जाम आने वाले टाइम में उनको देने का मौका मिलेगा। तो जो बच्चे अभी कंपार्टमेंट 2 की परीक्षा दे रहे हैं वो, और जो एग्जाम जिन्होंने फ्रेश एग्जाम दिया है और पेपर गड़बड़ हो गया है या फेल हो जाएंगे, उनके लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन CBSE करवाएगी। अब कब करवाएगी इसके बारे में 2 से 3 दिन के अंदर या बहुत ज्यादा तो 1 सप्ताह के अंदर आपको एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी CBSE के द्वारा कि ये डेट्स कब होंगी, कब ये फॉर्म निकलेंगे और कब आपको ये फॉर्म भरना होगा, ताकि आप उसके लिए परेशान ना हो। और जैसे ही ये अपडेट्स आएंगी मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा, जैसा कि अभी तक मैं करता रहा हूं, और अगर आप हमसे जुड़े रहे हैं तो आपको ये बात पता भी होगी। बच्चों, तो अब यही बात बचती है कि कंपार्टमेंट 3 का एग्जाम कब हो सकता है। तो बच्चों, मैं बता दूं जो प्रोसेस है CBSE का या जैसा अभी तक होता आया है उसके हिसाब से ये होता रहा है हमेशा से कि जैसे ही रिजल्ट घोषित किया जाता है, रिजल्ट घोषित करने के बाद में मार्क्स वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी, ये सब प्रक्रियाएं शुरू होती हैं और इनमें लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। इस बार CBSE ने ये डिसाइड किया था कि जो कंपार्टमेंट का फॉर्म है वो हम रिजल्ट आने के तुरंत बाद में भरवा लेंगे, तो जैसे रिजल्ट आएगा तुरंत आपसे 1-2 दिन के अंदर वो लिंक एक्टिव होगा और तुरंत आपको फॉर्म भरना होगा। अब उस फॉर्म को भरने के बाद में कम से कम आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें, ये नियम होता है। अब मान लेते हैं 15 अगस्त के आसपास में आपका रिजल्ट आया और 20 अगस्त के आसपास में आपसे फॉर्म भरवाने की बात की गई,
तो जो आपकी ये परीक्षाएं हैं कहीं ना कहीं 20 सितंबर के बाद ही संभव लग रही हैं। हालांकि सीबीएसई है वो किसी तरीके से मैनेज करके इन एग्जाम्स को पहले भी कंडक्ट करवा सकती है। बहरहाल आप 20 सितंबर के आसपास कंपार्टमेंट 3, जिन बच्चों का कंपार्टमेंट 2 था, और कंपार्टमेंट 1 जो बच्चे फ्रेश थे और इस बार फेल हो जाएंगे किसी भी वजह से, उनका एग्जाम 20 सितंबर यानी आप ये कह लीजिए कि सितंबर के 3rd या 4th वीक में कंडक्ट करवाई जा सकती हैं और इसकी तैयारी आपको करती रहनी है अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो। बाकी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड तो वो हमसे डायरेक्टली जुड़ सकता है, ईमेल आईडी हमारा दिया हुआ है वहां पे संपर्क कर सकता है। और बच्चों पिछली बार भी हमने बहुत से बच्चों की मदद की थी और बच्चे पास हुए थे, हम अभी आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप उम्मीद कायम रखिए और जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि आपका पेपर सही नहीं गया है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब एक बात ये भी बचता है कि अगर इसका एग्जाम इतना लेट में होगा, कंपार्टमेंट 3 का एग्जाम सितंबर में होगा, तो जाहिर सी बात है 15 अक्टूबर के आसपास में आपका रिजल्ट आएगा और अक्टूबर में ही आपका एडमिशन होगा, तो कहीं ना कहीं आपके पास नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने का टाइम बचेगा और वो टाइम होगा बहुत ही कम। तो इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए, हो सकता है कि 1 महीने का टाइम ना दे करके 15 दिन का ही टाइम अगर दे दिया गया तो फिर आपका नुकसान ना हो जाए। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान थे। ये पूरी प्रोसेस सितंबर के 3rd वीक से पहले शुरू नहीं होगी बच्चों, और ये सारी प्रक्रिया कहीं ना कहीं इस बार लेट होने वाली है। तो जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आपको बने रहना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है ताकि बच्चे निश्चिंत रहें, परेशान ना हो, और हम आपकी ऐसे ही मदद करते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।